मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के मासिक राशिफल के बारे में कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है, ये जो महीना है, मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जहाँ एक ओर उनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके कौशल और संबंधों में विस्तार होगा और आप प्रकृति और जीवन से कुछ नया सीखेंगे। कुछ नए दोस्त भी आप इस समय बना सकते हैं। आप भविष्य के लिए योजनाएं इस समय बहुत बनाने वाले हैं और उन योजनाओं पर आप काम भी करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आप अपनी जो लंबे समय से अटकी हुई इच्छाएं थी उनकी पूर्ति भी आपकी इस समय हो सकती है। यह समय आपके लिए जीवन में प्यार और रोमांस लाने का समय रहेगा। ये कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिए सामान्य रूप से समय शुभ रहने वाला है और नए कार्य की आप तलाश में रहेंगे और स्वयं की क्षमताओं के बल पर किसी बड़े कार्य में आप हाथ डाल सकते हैं। कोई बड़े जिसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव जो है आप देख सकते हैं। करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता आपको इस समय मिल सकती है। व्यवसाय में समय जो है काफ़ी मजबूती का है। जो आपका पिछले समय से योजनाएं बना रहे थे, आपकी इच्छाएं थी, वो इस समय पूरी हो सकती हैं। इस महीने आपकी वो इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी और आपको इस दौरान विभिन्न कामों से लाभ मिलेगा। और आप कुछ अपने मन में कोई नई योजनाएं भी बना रहे हैं, कोई उनको अमल में अगर आप लेकर आएंगे तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। व्यवसाय की यात्राओं के लिए समय सामान्य रहेगा। और यदि आप नौकरी पेशा से जुड़े हैं तो इच्छा स्वरूप स्थानांतरण आपको मिल सकता है। इस दौरान आपको जो धन प्राप्ति के लिए आपका जीवन है वो मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन आप धन अर्जित कर पाने में सफल ज़रूर होंगे। धन अर्जित करेंगे लेकिन उसी हिसाब से आपका जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको वित्तीय उतार चढ़ाव का सामना काफ़ी करना पड़ सकता है इस समय के दौरान, इस महीने के दौरान। क्योंकि जितना धन आएगा आप उतना उसे हो सकता है ज़्यादा भी खर्च कर दें, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में उतार चढ़ाव जो है वो संभव है। उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। समय अच्छा है, पैसों को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए ताकि भविष्य में जो योजनाएं बनानी है उसमें आपको वित्तीय संघर्ष का सामना बिल्कुल भी न करना पड़े। क्योंकि जो आर्थिक स्थिति होती है, जो हमारा वित्तीय जो संबंध होता है हमारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी आगे की योजनाओं को सफल बनाने के लिए, आगे की योजनाओं को कार्य में लाने के लिए। इस समय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत की ओर समय इशारा कर रहा है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो निश्चित मानिए आपको बहुत अधिक मेहनत करना होगा, बहुत अधिक कठिन परिश्रम आपको करना होगा, तभी आप सफलता की अपेक्षा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप कुछ कम ही सफलता मिलेगी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है, अपने कर्म करते रहना है। और जो लोग कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा शुभ रह सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपका वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपसी
समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता आपके घर वाले आपकी बात को ना समझे या फिर आप उनकी बात को ना समझे, जिसकी वजह से आपको एक बहस का सामना करना पड़ सकता है, बेवजह की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपका माता जी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, और मानसिक तनाव बहुत सही नहीं रहेगा आपके लिए। पारिवारिक जीवन में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि तो आपकी कही गई कोई भी बात आपके परिवार वालों को चुभ सकती है, या फिर अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपका मतलब चाहे वो ना हो लेकिन उस बात को उस ढंग से लिया जा सकता है, क्योंकि समय कुछ ऐसा रहेगा, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी रहेगी जो आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बहस हो सकती है, बेवजह की टेंशन आपके पारिवारिक जीवन में रह सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। आप खुशियों का जो आप खुशनुमा एक माहौल महसूस करेंगे अपने दाम्पत्य जीवन में, खुशियों का अनुभव करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताएंगे। इस समय आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं और कोई विदेश यात्रा भी आप इस समय कर सकते हैं, और आपको इस समय किसी भी तरीके की अपने जीवन साथी से बात छुपा कर नहीं रहनी रखनी है। अपने जीवन में एक ट्रांसपेरेंसी रखिए, एक पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे आपका जीवन जो है बहुत अच्छा चलेगा। किसी बात को लेकर बहस में ना फंसे, क्योंकि आपकी जो बहस है वो एक भयानक रूप भी ले सकती है। अच्छा अनुभव रहेगा आपका, अपनी खुशियों का आप अनुभव महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो आपके जीवन में अपने जीवन साथी के साथ चल सकती हैं। उन बातों को बड़ा ना बनाएं, बिना वजह की तूल ना दें उन बातों को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। प्रेम जीवन में आपके दीर्घकालीन बदलाव महसूस आप कर सकते हैं। आप इस समय एक आशावादी प्रेमी के रूप में एक पहचान अपनी बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके की कमिटमेंट पसंद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपके रिलेशनशिप में परेशानी आ सकती है, क्योंकि कमिटमेंट एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में परेशानियों को खुद खड़ा करेंगे। इस वर्ष आपकी मुराद पूरी हो सकती है और ऐसे व्यक्ति से आपका मिलन हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में भी आपके साथ में रहेगा, और आप अपनी बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उस व्यक्ति से विवाह करना तो जल्द ही उन्हें प्रपोज करके अपना जीवन साथी बना लीजिए। आपके विवाह के योग इस समय बन रहे हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें प्रपोज करिए, बात आगे बढ़ाइए, क्योंकि विवाह का योग जो है वो इस समय आपके लिए बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक अच्छी और संतुलित दिनचर्या का पालन आपको करना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, खुद को तंदुरुस्त बनाए रखें, क्योंकि इस समय आपको पित्त संबंधी गर्मी बढ़ना, बुखार, टाइफाइड, शरीर पर कोई पैचेज आना, रेड कलर के, ऐसी कोई बीमारी आपको घेर सकती है, तो उससे आपको बचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा संपर्क चले, ऐसी समस्याएं अपने जीवन में मत आने दीजिए, क्योंकि ये छोटी मोटी परेशानियां हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान आपको रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।